बीची बीची में चलिएगा भैया, बीची में। लेकिन नीचे देखिए, मुझे डर लगे, मेरे को तो ऊंचाई से बहुत डर लगता है भाई। ओह माय गॉड। कोई मैनेजमेंट ही ठीक नहीं था लाइन में लगने के लिए। देखिए लड़ाई हो गई, लास्ट में निकलते निकलते देख सकते हैं कैसे आप लोग। तो कुछ यहाँ पर गए भाई लोग पूछते हैं कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और क्या चाची कैसे हैं? हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी मैं राजगीर में हूँ और आपको ग्लास ब्रिज जाने वाले हैं। तो टिकट आप लोग ऑनलाइन बुक करिएगा, ऑफलाइन तो नहीं होने वाला है कुछ भी, ऑनलाइन ही बुक किया जाता है। 150 रुपीज़ आपको लगने वाला है। और जू सफारी के लिए जो एंट्री यहीं से हम लोग आ रहे हैं, पहले यहाँ से नहीं था, आगे साथ तो यहाँ से अब एंट्री हो गया है, वो वाला साइड बंद हो चुका है। तो चलिए अंदर चलते हैं, ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। टिकट गाइस यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ये देखिए ऑनलाइन टिकट मेरा था, ऑनलाइन टिकट था गाइस, देख सकते हैं राजगीर वाइल्ड सफारी जू सफारी। तो सफारी वैसा तो है नहीं जैसा सोच कर आए थे, लास्ट टाइम मैं इसका ब्लॉग बना चुका हूँ। चलिए अंदर चल रहे, बहुत ही मजा आने वाला है। अंदर उधर से हम लोग आगे चल रहे हैं, यहाँ पर से यहाँ को जाना जू सफारी भी, लास्ट टाइम यहीं से गए थे। ग्लास ब्रिज के लिए भी इधर ही से हम लोग को जाना है। तो आ गए गाइस अंदर, अभी पहुँचे नहीं ग्लास ब्रिज, यहाँ से लाइन लगा हुआ है। तो लाइन में थोड़ा आपको लगना पड़ेगा, भीड़ भाड़ है, नया साल है तो और अब भीड़ आपको मिला है। 1 तारीख को तो बहुत ज़्यादा आपको भीड़ दिखने वाला है, रश दिखने वाला है। अभी गाइस हम लोगों को यहाँ पर अपना बस जो हम लोग को आने वाला है लेने के लिए, उसका वेट करना पड़ेगा कुछ देर के लिए। मैक्सिमम समझिए 20 मिनट आधा घंटा लग ही जाता है, अंदर जाते जाते कम से कम आपको 45 मिनट लेकर आपको चलना पड़ेगा। चलिए तो फाइनली गाइस हम लोग गाड़ी आ गया, 15 मिनट वेट करने के बाद, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 24 सीट आपको यहाँ पर है। चलिए अंदर चलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। अरे भैया लीजिए अंदर आ जाओ, ओ हवा मारेगा भैया, नहीं बैठना क्या? बैठ सकते ना, चलिए बैठ सकते हैं, बैठ गए तो वहाँ के ही सामने, मज़ा आने वाला है। यहाँ से एंट्री हो रहा है, देख लिए भाई लोग चढ़ रहे हैं, ये भी हम लोग को मिल गया यहाँ से। आपको उसका अलग से कोई चार्ज नहीं लगने वाला, अंदर जाएंगे देखते हैं अलग से क्या क्या हम लोग को चार्ज अभी लगेगा, वो लास्ट तक ब्लॉग पे भरेगा। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन में, अभी पूरा नहीं पहुंचे हैं भाई, यहाँ पर गाड़ी रोक दिया गया है। नेचर सफारी लिखा हुआ आपको दिखाते हैं, बुद्ध भगवान का ऊपर का बाल का यहाँ पर थोड़ा बना हुआ डिज़ाइन, और यहाँ पर नेचर सफारी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा बैठने के लिए गाड़ी से हम लोग भी आए हैं, और यहाँ पर भी आप लोग देखिए गाड़ी वगैरह लगा हुआ है गाइस, यही आ रहा है जा रहा है। आई एम एट नेचर सफारी राजगीर बिहार, बहुत खूबसूरत है। अब इसी के अंदर हम लोग जाने वाले ग्लास ब्रिज में, ये वाला गाइस यहाँ पर बहुत कोई सेल्फी फोटो लेते हैं, आप लोग वीडियो कर ले सकते हैं। और साइड में यहाँ पर देखिए बैठने के लिए कुछ बना हुआ अच्छा सा, कुछ देर आप लोग बैठ भी सकते हैं। चलिए मेन तो हम लोग ग्लास ब्रिज में चलना है, तो अब मज़ा आने वाला आगे चलकर। टिकट वगैरह प्राइस देख लीजिए गाइस, एंट्री टिकट सस्पेंशन भी सब, मतलब टिकट का प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस 150 रुपीज़ में आप लोग को अंदर लाया जाएगा, 6 मतलब 7 किलोमीटर समझ लीजिए, उसके बाद आपको लूटा जाएगा। यहाँ पर से आपको टिकट लेना पड़ेगा फिर ग्लास ब्रिज का, मतलब 150 में ऐसा नहीं सोचिएगा 150 में आप लोग ग्लास ब्रिज चल जाइएगा, तो 150 सिर्फ अंदर लाने का है, उसके बाद लूटने का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। तो चलिए टिकट लेना पड़ेगा फिर से। ये रहा गाइस 2 टिकट मैं फ्रेंड के साथ आया हूँ, तो देख सकते हैं 150 रुपीज़ का आपको टिकट लगने वाला है। सस्पेंशन ब्रिज भी अब इसी में जुट जाता है, 10 रुपये लगता है, उसको आपको नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ से गाइस 150 रुपीज़ आपको आने का, फिर 150 रुपीज़ टिकट का, उसके बाद यहाँ से पाँव गाड़ी मतलब पैदल आपको जाना होगा। यहाँ पर आप लोग देख रही पूरा मैप दिया हुआ है, क्या कोई लोकेशन है, सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर होगा, ग्लास ब्रिज है, आप लोग रोक करके देख लीजिएगा। तो अंदर गाइस जाने से पहले अगर आपको वॉशरूम जाना है तो यहाँ पर साइड में देखिए उसका व्यवस्था है, वॉशरूम कोई यहाँ पर आपको उसका चार्ज नहीं लगने वाला है। देखिए टॉयलेट लिखा हुआ है जेंट्स लेडीज दोनों के लिए। गाइस हम लोग आ रहे, एक बार आपको फिर से यहाँ पर एंट्री टिकट चेक करवाना पड़ेगा, थोड़ा बार बार थोड़ा चेक करते रहते हैं कि जाली नकली तो नहीं है। चलिए अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ से आगे से हम लोग चल कर आ रहे हैं, आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, देखते कितना दूर है, पैदल भी जा सकते हैं, ऑटो वगैरह तो आप लोग ऑटो से भी जा सकते हैं ग्लास ब्रिज। यहाँ पर गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आप लोग इसके जगह सस्पेंशन ब्रिज घूम कर आइए और आगे पूरा एक्टिविटी करके आइए। तो अभी हम लोग लौट रहे हैं, तो यहाँ से लास्ट में आएंगे, घूमते आएंगे, उसके बाद यहाँ पर ब्लॉग बनाया जाएगा। तो चलिए कल कहीं और चलते हैं। देख लीजिए गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज, टिकट फटा नहीं है, आगे से आ रहे गाइस, यहाँ पर ऑटो भी आपको मिल जाएगा, 20 रुपये ले जाएगा। आगे एक्टिविटी कुछ करना है आपको तो साइकिलिंग वगैरह करना है, जीप लाइन करना है तो आगे जाइए, या फिर सस्पेंशन ब्रिज जाना है तो यहाँ पर से जंगल वाला रास्ता से होकर जाइए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से गाइस सस्पेंशन ब्रिज का हम लोग का स्टार्ट होता है, देखिए हैरान लगे हुए हैं, धीरे धीरे करके जाने देते हैं, एक बार में ज़्यादा भी नहीं जाने मिलेगा, भीड़ ना लग जाए इसलिए। और इसका टिकट आपको उसी में इंक्लूड होने वाला, अलग से अभी तो नहीं चार्ज लगता है, ग्लास ब्रिज वाला में इंक्लूड हो रहा है 150 रुपीज़ में। तो सस्पेंशन ब्रिज का गाइस यहाँ पर टिकट कटता है
अगर आपको ग्लास ब्रिज नहीं घूमना है, 152 भी लग रहा है, तो यहाँ पर आपके 10 रुपए दे के इसके फीस का कर सकते हैं। ग्लास ब्रिज नहीं जाना है तब, वरना उसी में इंक्लूड हो जाएगा। एक बार में आपको 15 ही लोग को जाने के मिलेगा, ज्यादा भीड़ नहीं लगाना है, हिलाना नहीं है, झूला दौड़ना नहीं है, आराम से धीरे धीरे चल के जाना है। देख लीजिए, कोई दौड़ नहीं रहा है। बाकी वीडियो लोगों को बनाने मोबाइल से बना सकते हैं, सब अलाउ है। चलिए गाइस, तो हम लोग जा रहे सस्पेंशन ब्रिज में। ओ माय गॉड, बड़ा डरावना है भाई। अरे अब समझ में आया भैया, डरावना है। नीचे देखिए, नीचे मन नहीं देखिएगा भैया। अरे भाई पकड़ ले भाई, हमको पकड़े ना। सिर्फ बीच में चल रहा है, बीच में चलिएगा भैया, बीच में। बहुत बड़ा गलती कर दिया आगे भैया। धीरे धीरे पीछे में चलिएगा, बहुत ज्यादा हिलता है, आपको बता दे रहे हैं गाइस। बहुत ज्यादा जबरदस्त डर लग रहा था सस्पेंशन ब्रिज में चढ़ने में, बोल नहीं पा रहा। सस्पेंशन ब्रिज निकल जा रहा है। ओह माय गॉड, चलते रहेगा तो सर बहुत ज्यादा हिलने लगता है, वाइब्रेशन के कारण आपको थोड़ा डर लगेगा, और मेरे को तो ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है। चलिए ये सस्पेंशन ब्रिज से हम लोग आ गए हैं, देख लीजिए कितना खूबसूरत है। और बहुत डर, नीचे देखिए तो बहुत डर लगेगा। मैं तो भाई चिल्लाते चिल्लाते पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत मेरे को डर लगता है। और यहाँ पर पुतला वाला झोपड़ी जैसा बना हुआ है, फोटो सेल्फी लेने के लिए है। आपको दिखा देते हैं थोड़ा, देख लीजिए कुटिया है। कहा चाची, कैसे हैं चाची जी? बैठल है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है गलती से आ गया, सॉरी। चलिए गलती से आगे थे अंदर, चाची जी बैठे हुए अंदर, आप लोग जाके फोटो सेल्फी ले सकते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ से गाइस आप लोग देख सकते हैं, ग्लास ब्रिज आपको दिख रहा होगा। ड्रोन तो बोले कि नहीं अलाउ है, कोई भी लाएगा तो जुर्माना पड़ जाएगा। और ये हमारा सस्पेंशन ब्रिज है, तो जो ड्रोन लेकर आने के सोच रहे हैं कि उड़ाने के, उनको नहीं परमिशन मिलने वाला। बाहर ही पूछ लिए थे, यहाँ ही पूछ लिए, कहीं से आपको परमिशन नहीं मिलेगा। जब शुरू में खुला था तब अलाउ था, लेकिन अब बिल्कुल अलाउ नहीं आपको मिलने वाला है। चलिए तब सस्पेंशन ब्रिज से आप लोग यहाँ से निकलते हैं, सिर्फ 10 रुपए लगेगा चार्ज। अगर सिर्फ इसी में आपको आना है तब ग्लास ब्रिज का टिकट ले लिएगा तो इसी में इंक्लूड हो जाएगा। सस्पेंशन ब्रिज गाइस घूम लिया, बहुत ही मजा आया, दोबारा जिंदगी में नहीं आएंगे, कसम खाते हैं। पर मेरे को बहुत ज्यादा ऊंचाई से डर लगता है, मेरा कोई ब्लॉग देख सकते हैं, मेरे को खासकर ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है भाई। इसलिए नीचे गलती से मैंने देख लिया, उसके बाद तो भाई क्या बोले, हनुमान चालीसा पूरा पढ़ना पड़ गया। तो ऑटो से गाइस यहाँ पर आ गए, वहाँ पर ऑटो रुका भी रहेगा, 20 रुपए लगेगा। अभी हम लोग नेचर कैंप में जाने वाले हैं। तो कुछ यहाँ पर गाइस भाई लोग पूछते हैं कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और क्या अभी तक घूमे यहाँ पर? अभी यहाँ से हम लोग आए हैं तो म्यूजियम घूमे, उसके बाद सस्पेंशन ब्रिज और यहाँ। अच्छा, सस्पेंशन ब्रिज में डर लगा कि नहीं, मजा आया कि नहीं? डर बहुत ज्यादा लगा और बड़ा बहुत ज्यादा मजा भी आया, एडवेंचर वही है। अच्छा, और आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। सस्पेंशन ब्रिज में मजा आया कि नहीं? सस्पेंशन ब्रिज में सबसे ज्यादा मजा आया। अभी वहीं पर घूमा। हमारा एक दोस्त ग्लास ब्रिज का वेट है कि नहीं? हाँ, बहुत वेट है, बहुत एक्साइटेड हूँ। ग्लास ब्रिज में अभी जाने वाले गाइस, तो इसके बाद हम लोग थोड़ा घूम लेते हैं फिर चलेंगे। ये गाइस जो आप लोग देख रहे हैं, ये वुडन हाउस है, इसमें आप लोग जाइएगा अंदर, 5 रुपए आपको लगने वाला है। ऐसा सब 2-3 हाउस है, मड हाउस है, वुडन हाउस है, इस तरह से सबका आपको 5 रुपए लगेगा। देखिए लिखा होगा, वुडन कॉटेज, बम्बो कॉटेज, मड हट, ओपन थिएटर, ये मतलब यहाँ आपको दिखने वाला है। चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। लीजिए यहाँ पर कैंटीन में हम लोग दिख रहा है, कैंटीन मतलब पैसा दीजिए, खाइए जो आपको खाना है। क्या है यहाँ पर देख लेते हैं, क्या क्या अवेलेबल है। ये गाइस यहाँ कैफेटेरिया, यहाँ का मेन्यू देख लीजिए, चिकन का आइटम को बिल्कुल नहीं मिलने वाला, सब यहाँ वेज मिलने वाला है, जो भी आइटम है। देख लीजिए यहाँ बैठने के लिए कितना अच्छा सा बना हुआ है, आप लोग बैठ के आराम से खा सकते हैं। चलिए कुछ ऑर्डर करेंगे, कुछ खाएंगे यहाँ पर। तो गाइस ऊपर आ गए, ऊपर से आपको व्यू देख रहा होगा कितना खूबसूरत है, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पर पूरा आपको सिर्फ घूमने के लिए है, लगेगा किसी पार्क में, वैसा आपको दिख रहा होगा। देख लीजिए, अच्छा दिखा देते हैं, देख लीजिए पहाड़ का सीन कितना खूबसूरत है। ओह माय गॉड, हवा बहुत अच्छा चल रहा है, ड्रोन अभी उड़ाएंगे तो ड्रोन भाई हवा में उड़ जाएगा, बहुत ही जबरदस्त अच्छा हवा चल रहा है। ये व्यू देख लीजिए कितना खूबसूरत है, फोटो सेल्फी लेना गए तो आप लोग आ जाइए राजगीर। बाकी इस गार्डन में ज़्यादा कुछ घूमने के लिए जीप लाइन वगैरह आपको करना है तो चार्ज वगैरह वहाँ पर आप लोग ने देखा होगा। तो अभी गाइस हम लोग पार्क में घूम रहे हैं, यहाँ पर झूला वगैरह बच्चों के लिए लगा हुआ है, इसका कोई चार्ज नहीं है। जो आगे आप लोग ये सब पार्क देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी आपको पैसा नहीं लगने वाला है, फ्री में बच्चे लोग एंजॉय कर सकते हैं। बाकी किसी बड़े झूले में जाइएगा तो आपने तो देखा ही होगा, सबका चार्ज लिखा हुआ, जीप लाइन में जाने का 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, ऐसे करने का, आर्चरी करना है तो उसका 100 रुपीज़, सबका चार्ज दिया हुआ है। तो गाइस मड हाउस जाना है, राइफल शूटिंग जाना है तो सबका एरो दिया हुआ है, वॉल क्लाइंबिंग करना है तो एरो दिया हुआ है। इधर से आप लोग आइएगा इस पार्क में तो आपको सब कुछ दिखने वाला है, देखिए। और आपको पहले ही आपको कटवाना पड़ेगा टिकट, ही नहीं कि उधर जाके कटवाना है। ये रहा जिप लाइन, घूम जाओ
आने वाले थे लेकिन खत्म हो गया, अब नहीं आ पाएंगे। 100 रुपीज इसका चार्ज है, देख लीजिए। वो लीजिए, ओ माय गॉड, ओ तेरी जीप लाइन गैस भी खत्म हो गया। इसका टाइम 100 रुपया इसका लगता है। चलिए अब यहाँ से निकलेंगे फाइनली। तो गैस पूरा हम लोग घूम कर आए, ग्लास भी जाने वाले हैं, देख लीजिए कितना ज्यादा भीड़ आपको दिख रहा है। 2-3 घंटा से ज्यादा होगा, 3 बजने वाला, फिर भी लाइन में लगे हैं, वो नीचे से अभी तक यहीं तक पहुंचे हैं। तो आप लोग कभी आ रहे तो सोच कर आइएगा, अगर ग्लास ब्रिज जाने का सोच रहे हैं तो आपको बहुत देर लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। तो गाइस नीचे से ऊपर आते आते हम लोग को 1 घंटा लग गया, फिर भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो आप लोग अगर आ रहे हैं स्काई ब्रिज तो थोड़ा सोच कर आइएगा, क्योंकि बहुत ही टाइम लगता है। बहुत लोग तो गुस्सा भी हो गए क्योंकि बैठने के लिए है नहीं, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर साइड में, लेकिन नीचे बिल्कुल भी नहीं है, खड़ा होकर ही आना पड़ रहा है। तो यहाँ पर गाइस अगर शूज वगैरह आप लेकर आए तो शूज यहाँ पर उतारना पड़ेगा, और लाइन आप लोग देख लीजिए कितना लंबा सा लगा हुआ है। नीचे से आ रहे फिर भी आपको यहाँ पर लाइन लगना ही पड़ेगा अंदर जाने के लिए, और कोई चार्ज भी नहीं है। जूता आपको उतारना पड़ेगा, बैग वगैरह जमा कर सकते हैं, टोकन आपको मिलेगा। चलिए गाइस ग्लास ब्रिज जा रहे हैं। वो ये देख लीजिए पूरा ग्लास है, ओ माय गॉड, कैसा लग रहा है विनीत? बहुत मस्त लग रहा है भाई, एक्सपीरियंस जबरदस्त है। ओ माय गॉड, बहुत डर लगे आगे भैया। ओ भाई थोड़ा देख लीजिए, आप लोगों को भीड़ दिखने वाला आज, ये देख लीजिए कितना ज्यादा भीड़ है। नीचे देखिएगा, बहुत डर लगेगा। थोड़ा सा आगे जाने दीजिए, थोड़ा भैया लोग खड़े हो गए फोटो ले रहे हैं। बाकी यहाँ से नीचे देखिएगा तो बहुत ज्यादा डर लगे, मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, खाई एकदम दिख रहा है। तो ज्यादा देर मत रुकिएगा, घूम कर आपको दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए व्यू, देख लीजिए यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू है। ये देख लीजिएगा ग्लास भी पूरा शानदार है, फोटो वोटो लेने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन नीचे देखिए मुझे डर लगे, मेरे को तो ऊंचाई से बहुत डर लगता है भाई, तो नीचे मत देखिएगा। चलिए गाइस अब यहाँ से निकलते हैं, देख लीजिए नीचे कितना खाई है, अब यहाँ से फाइनली निकल रहे हैं, बहुत ही डरावना है भैया। ओ माय गॉड, मजा आ गया। चलिए फाइनली गाइस ग्लास ब्रिज निकल लिए, बट 150 रुपया आपको नहीं लेगा, ज़्यादा रुकने नहीं मिलता है, बट मज़ा आ गया, पैसा समझिए हो गया वसूल, बहुत ही अच्छा है फोटो लेने के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बट 150 रुपीज में जो आपको लग रहा वैसा नहीं मिलेगा, ज़्यादा देर रुकने को नहीं मिला। तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड था, उससे थोड़ा पूछते कैसा लगा, कैसा लगा विनीत? कि जितना कॉस्ट था उसके अनुसार ठीक ठाक था, ज़्यादा भी कॉस्टली नहीं था। एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ है, बट उसके लिए थोड़ा आपको टाइम लाना पड़ेगा, टाइम लीजिए। और 1-2 घंटा हम लोग सीढ़ी में खड़ा होना पड़ेगा, 1-2 घंटा तो हम लोग को यहाँ से वहाँ पहुँचने में लगे, 5 मिनट का दर से 5 मिनट भी सही से नहीं रहा। गुस्सा तो आएगा, लेकिन आपको इन्जॉय करना है या फिर ट्रिप पर जाना है, तो मतलब कि फोटो सेल्फी लेकर सोच रहे हैं जाना ऊपर लेना ग्लास में, तो आपको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। गुस्सा बहुत लोगों को आ रहा था तो खड़ा होना पड़ गया, हम लोगों को खुद ही खड़ा होना पड़ गया। चलिए तो फाइनली गाइस अब यहाँ से निकल रहे हैं, गाड़ी हम लोगों को यहीं ले जाएगा, उसका फिर से अलग से आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा 150 रुपीज। तो टोटल आपको 300 लेकर चलना पड़ेगा आप लोग ग्लास ब्रिज घूमने आ रहे हैं तो। बाकी अगर कुछ और एडवेंचर एंजॉय करना चाहते हैं अलग से चार्ज है, आपने देखा होगा वीडियो में। एंट्री गाइस आपको बस 3 बजे तक रहता है, उसके बाद आप लोग सोच रहे हैं आने का 4 बजे 5 बजे तो नहीं होगा, उसके बाद बंद हो जाता है, मतलब 5 बजे तक ओपन रहता है लेकिन एंट्री 3 ही बजे तक रहता है। निकलते टाइम भी गाइस अभी लाइन में लगे हुए हैं, जाते टाइम भी लाइन में लगे हुए थे, ग्लास ब्रिज के पास लाइन में लगे थे, गाड़ी में चढ़ने के लिए भी लाइन में लगना पड़ेगा, गाड़ी में जाने के लिए भी लाइन में लगना पड़ेगा, पूरा लाइन ही में दिन निकल गया भैया, समझे 4 घंटा लाइन ही में रह गया। ग्लास ब्रिज आए तो सोच समझ कर थोड़ा आइएगा, टाइम अगर निकाल कर आइएगा, मैं तो दोबारा नहीं आने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन में लगने में टाइम निकल गया, इसलिए खराब नहीं है, मतलब मज़ा आया लेकिन टाइम कुछ ज़्यादा ही बर्बाद हो गया। आइए कुछ भाई लोग से यहाँ पूछते हैं कैसा लगा, कैसा लगा भाई, तो बजाइएगा सच बोलिए अच्छा से। बहुत मुश्किल हुआ यार, थोड़ा इतना परेशानी, कोई मैनेजमेंट ठीक नहीं था, कुछ मैनेजमेंट करना चाहिए था इनको, कि इतना पैसा ले रहे हैं कुछ मैनेजमेंट करें, एक तो लाइन के लिए खड़ा रहे हैं, फिर से लाइन से फिर ये वेट करना पड़े, और कुछ भी उसका कोई मैनेजमेंट नहीं, पूरा दिन निकल गया ना, पूरा दिन लाइन में निकल गया। और मात्र वहाँ पे गए तो वहाँ 150 रुपये टिकट लगा करके मात्र 2 मिनट खड़ा रहने दिया। अच्छा, अब वो 2 मिनट बताइए क्या होता है, क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। खेला
लाइन में लगने के देखिए लड़ाई हो गई लास्ट में निकलते निकलते, देख सकते हैं कैसे आप लोग। मैंने जैसे कि बोले कि लाने के लिए लड़ाई हो रहा है सिर्फ, देखिए कोई बोले बीच में आ गए उतना दूसरे सब कोई खड़ा है, जाने के लिए जाने के टाइम हो रहा है, लड़ाई हो गया। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।